ज्योतिष की जब भी बात आती है तो एक सवाल मन में आता है, राजयोग। राजयोग क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। राजयोग हमारे पास बहुत लोग आते हैं और कहते हैं, दीदी मेरे तो कुंडली में राजयोग है, मेरे तो किसी ने बोला मेरे हाथ में राजयोग है, बहुत अच्छी बात है। ये सही है, बहुत तरह के राजयोग होते हैं और राजयोग का ये कतई मतलब नहीं है कि किसी ज्योतिष ने आपको बता दिया कि राजयोग है और आप कंबल तान के सो जाओ और राजा बन जाओगे। तो ये जितने भी लोगों को ऐसी गलत फहमी जो लोग ये सुन रहे हैं तो बिल्कुल समाप्त कर लीजिए आज और अभी से, क्योंकि राजयोग का मतलब है ग्रहों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके कारण आप अपने जीवन में ऐसे उच्चतम निर्णय लेंगे, उन निर्णयों से आपका अच्छा समाधान होगा और उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, ये राजयोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए होता है गज केसरी योग, ये एक तरह का राजयोग। गज केसरी से समझिए, गज यानी हाथी, ठीक है। अब केसरी यानी एक तरह का लेविश लाइफस्टाइल, ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। गज केसरी योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में दिखता है और ये गुरु यानी बृहस्पति और चंद्रमा की युति से बनता है। बहुत सारे हमारे जब कुंडली हम देखते हैं तो 70-80% कुंडलियों में हमें गज केसरी योग दिख जाता, लेकिन गज केसरी योग एक्टिवेट नहीं है, किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि है, किसी तरह का मैलिफिक प्लैनेट वहां पे आसपास बैठा है तो वो डिमोलिश हो जाता। लेकिन ऐसे व्यक्ति आपको दिखेंगे जिनकी कुंडली में ये योग नहीं है लेकिन आपका गुरु और चंद्रमा एक्टिव है, उनका गज केसरी योग बन जाता है। और वो गज केसरी योग ऐसा बनता है कि वो व्यक्ति सही समय पे ऐसे बढ़िया निर्णय लेता है कि उसका वहां से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है, कहेंगे या कहेंगे कि अरे देखिए वो तो कहां से कहां पहुंच गए। लोग कहते हैं ना कि अरे इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, कहां पहुंच गए, देखिए तो कुछ नहीं करते, इनका तो भाग्य साथ देता है। ये सब कुछ निर्णय पे डिपेंड करता है कि आपने सही समय पे क्या निर्णय लिया, पहली चीज। दूसरी बात ये होती है, ग्रहों का जो प्लैनेट्स का जो एनर्जी है ये हमें 24/7 प्रभावित कर रहा है। इस ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना हर कण को प्रभावित कर रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कल एनर्जी का बना। इन ऊर्जाओं का सही उपयोग कर रहे हैं, आप सीख जाते हैं, आपको पता है कि ये ऊर्जा कैसे मैं अपने लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी भलाई के लिए, यही स्पिरिचुअल साइंस, इसी में ज्योतिष आपको मदद करता है। किसी ने कहा कि आपका गज केसरी योग ठीक करने के लिए या गज केसरी योग को एक्टिवेट करने के लिए इतना सा उपाय है, एक पीला कपड़ा लीजिए, चांदी का सिक्का रखिए, एक मुट्ठी चावल रखिए, पीला कपड़ा बृहस्पति, चावल और चांदी चंद्रमा उसकी पोटली बना के अपने साथ रख लीजिए या अपने बैग में रख लीजिए, अपने घर के कहीं जहाँ पे अच्छी चीजें रखते हैं अपने मंदिर में रख दीजिए, आपका गज केसरी योग एक्टिवेट हो जाएगा। गुरु और चंद्रमा की जो युति है ये एक्टिवेट होने से आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे और आपको भी वो लाभ मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारे योग होते हैं लेकिन हर योग में ग्रह बदल जाते हैं और उन ग्रहों के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। यदि आपको सही समय पे सही जानकारी है, आप जिन भी ज्योतिष के पास जाते हैं उनसे ये जरूर पूछिए कि यदि ये योग है किन ग्रहों से बना है, किस घर में बना है, उसका उपयोग हम कैसे करें, एक्टिवेट कैसे होगा और जीवन के किस वर्ष में हमें उसका फल मिले, इतनी पूरी डिटेल जानकारी लीजिए ताकि आप उसका सही उपयोग करें।